आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमदर्द के मस्तूरिन सिरप के बारे में। ये सिरप महिलाओं के लिए होता है और महिलाओं को किन किन परिस्थितियों में इसे पीना चाहिए, कितने दिन तक पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए इस दवा की पूरी जानकारी पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं विजय प्रकाश गुप्ता। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या ऑटो प्ले से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके हमें भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर दवाओं की जानकारी आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। मस्तूरिन सिरप एक यूनानी मेडिसिन है और इसका प्रयोग पीरियड से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो है हमदर्द का एक पेटेंट मेडिसिन है और इसकी MRP आपको 120 रुपये देखने को मिलेगी, 200 ml पैक का दाम। इसका बाइंडिंग आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजिली परचेज कर सकते हो। ये मेडिकल स्टोर पर भी अवेलेबल रहता है, तो इसको आप हर एक जगह से परचेज कर सकते हो। और इस दवा का जो कॉम्पोजिशन है, इसमें जिस कॉम्पोजिशन को मिलाया गया है वो पूरी तरह से नेचुरल है, तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट आपके शरीर पर देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपको ये दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। तो बेहिचक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको जो पीने का मात्रा है इसके बाटल पर भी मेंशन कर दिया गया है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये इस तरह से इसका बाटल आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसको जो पीने का मात्रा होता है, आपको इसे 10 ml सुबह में नाश्ते से पहले लेना है और शाम को सोते समय 10 ml लेना है। अगर आप इसका प्रयोग ठंडी में करना चाहते हैं तो हल्के गुनगुने पानी के साथ में करना है, और गर्मी में इसे नॉर्मल पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो ये आपकी पीरियड को पूरी तरह से ठीक करता है। अगर आपका पीरियड खुलकर नहीं आ रहा है या पीरियड आते समय आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता हो या फिर ब्लीडिंग काफ़ी कम आता हो, तो उसमें जो है ये सिरप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है उस परेशानी को दूर करने के लिए। या फिर आपके अगर पेड़ में दर्द है, सूजन है या फिर गर्भाशय में आपको कोई दिक्कत है, तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप इस मस्तूरिन सिरप को 3 से 4 बॉटल इस्तेमाल कर लेते हैं तो अगर आप प्रेगनेंसी कंज्यूम करना चाहें तो भी बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये दवा जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका पीरियड सही आएगा, अच्छी तरह से आएगा, तो प्रेगनेंसी भी कंज्यूम हो जाएगा, यानी जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है तो इसके इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर समस्या दूर हो जाए तो इसके साथ में आपको और दवाएं लेनी होंगी गर्भाधान को रोकने के लिए। तो अगर आप नीचे कमेंट में कमेंट करेंगे और हमारे इस दिए गए ईमेल पर मेल करेंगे तो हम आपको इसके साथ में ली जाने वाली दवाओं के बारे में भी जानकारी दे देंगे, तो आप उसका जब सेवन कर लेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी जो है राहत मिल जाएगा। अगर आपका बार बार गर्भपात हो जा रहा है तो उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। तो वैसे आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इस मस्तूरिन सिरप के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको नॉर्मल परेशानी है आपकी पीरियड को लेकर के, आपका पीरियड खुलकर नहीं आ रहा है या फिर आता है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, आपके पेड़ में सूजन रहता है, पेड़ में दर्द होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है, सारा दिन आपको कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है या फिर पूरे महीने आपको सुस्ती बनी रहती है, तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल करके ये सारी परेशानियां दूर की जाती हैं। तो आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ये बिना डॉक्टर के पर्चे के भी आप इसको खरीद सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप खुद से लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, ये आपको कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है इसके इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें जो फार्मूला मिलाया गया है, जो इसका कंपोजिशन है वो काफ़ी बढ़िया कंपोजिशन इसमें मिलाया गया है। इसमें छोटा चाँद और अश्वगंध, रसौत मुसफ़ा, उस्बा मागरावी, अशोक छाल, सोनेज, हीरा, कशीश, हब्बुल आस, मैन कालन और इसमें शुगर को ऐड किया गया है। प्रिजर्वेटिव के रूप में इसमें बेंजोइक एसिड भी मिलाया गया है, तो आप
चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक एक करके पढ़ सकते हो, आपको नज़र आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है इसका पीने का तरीका आपको मालूम हो गया, इस सिरप का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है ये भी आपको जानकारी हो गई, और इसे कितने दिन तक पीना है, कितना बॉटल पीना है ये भी आपको मैंने बता दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।